हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिन मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रिज्म लेंस एफएक्स के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्रांड है, आप यूज़ कर सकते हैं इन प्रिज्म्स को। तो दोस्तों अगर आप अपनी प्री वेडिंग के अंदर क्रिएटिविटी करना चाहते हैं या वेडिंग के अंदर क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो इन प्रिज्म्स का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इन प्रिज्म का यूज़ किस तरह से करना है और इसके अंदर हमें किस तरह का प्रिज्म मिलता है अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म को मैं अनबॉक्स करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बैग की बात करें, बैग की जो कोटिंग है बहुत सॉफ्ट है दोस्तों, और इसके अंदर हमें एक मतलब आपको बॉक्स भी मिलता है जिसके मतलब पूरा दबा भी आए तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना विजिटिंग कार्ड भी रख सकते हैं, बैग की कोटिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद जो हमें ब्लू फ्लेयर का जो प्रिज्म है वो मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ब्लू फ्लेयर को यूज़ करेंगे, ये एनामॉर्फिक स्टाइल है दोस्तों। एनामॉर्फिक स्टाइल मतलब दोस्तों कि 77mm का हमारे पास रिंग है, हम अपने 35mm 1.4G मास्टर के ऊपर यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें 77mm टू 67mm का रिंग चाहिए दोस्तों। आपने हमेशा सोलो रिंग परचेज़ करना है। अगर आप बहुत सारा बंडल परचेज़ कर लेते हैं रिंग्स का तो बीच में गैप आ जाएगा जिसकी वजह से फोकस हंट होगा। तो आपने हमेशा क्या करना है दोस्तों, इस रिंग को इस तरह से आप चूज़ करेंगे। ओके, तो आप अपने कैमरे के ऊपर इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ब्लू फ्लेयर हमारा जो प्रिज्म है इसको रिंग को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं दोस्तों आप। तो जो एनामॉर्फिक स्टाइल है दोस्तों, नॉर्मल लाइट होगी जो सनलाइट आ रही है तो उसको एनामॉर्फिक स्टाइल के माफिक बदल देगा दोस्तों। अगर आप इतना महंगा लेंस नहीं परचेज कर सकते हैं, एनामॉर्फिक लेंसेज बहुत कॉस्टली होते हैं, तो आप इस प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। और दूसरा प्रिज्म हमें मिलता है दोस्तों, दूसरे प्रिज्म को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके, जो प्रिज्म स्प्लिट डायोपीटर, तो दोस्तों इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे अनबॉक्स करूं तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों तरफ इसके मिरर दिए गए हैं, लेफ्ट एंड राइट, और सेंटर में बीच में गैप है दोस्तों। इसको भी आप रोटेट करेंगे तो किसी भी तरफ आप इसको जो बीच वाला पोर्शन है वर्टिकल या लैंडस्केप में रख सकते हैं दोस्तों। इसके भी आपको शॉट्स दिखाते हैं। और दोस्तों जो हम थर्ड प्रिज्म की बात करने वाले हैं दोस्तों, ये है ड्रीमी, मतलब जो ड्रीम इफेक्ट है दोस्तों इस प्रिज्म से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका भी दायरा 67mm है दोस्तों, तो हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं जो ड्रीम इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो रिंग आपको बताया है ये 35 पे लग जाएगा, 77mm का दायरा है तो डायरेक्ट आपके लेंस के ऊपर लग जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं किस तरह की इन प्रिज्म्स की क्वालिटी है। तीनों प्रिज्म को हम अभी टेस्ट करेंगे, इनकी क्वालिटी आपके सामने शो ऑफ करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम यूज़ कर रहे हैं ड्रीमी प्रिज्म, तो इससे हमारी पूरी ड्रीम लुक क्रिएट होगी। 1, 2, 3 एंड एक्शन। कैमरा लुक, चिन डाउन, ओके कट मैम, एनामॉर्फिक स्टाइल, तो दोस्तों जैसे जैसे मैं इसे घुमा रहा हूं यहां से मैं पुश कर रहा हूं, ओके बिल्कुल रोटेट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं फ्लेयर्स भी मेरे रोटेट कर रहे हैं। ओके, आपको यहाँ पे इक्वल लगता है कि मेरा ये यहाँ पे परफेक्ट है और यहाँ से आप शूट कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी हम एनामॉर्फी को उतार के स्प्लिट का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा इस प्रिज्म की और जो बाकी यूज़ किए हैं उनकी क्वालिटी किस तरह से है और किस तरह से यूज़ करना है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।